इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। हरदोई में भाजपा सरकार की 3 सालों की उपलब्धियों को गिनाने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें 5 साल में जनता के सामने माफी मांगने जाती थीं और कहती थी कि हमारी गलती माफ करें, हम आगे सुधार करेंगे, लेकिन हमारी सरकार जनता के बीच काम को लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भेदभाव की राजनीति होती थी, भेदभाव के साथ विकास किया जाता था, लेकिन इस सरकार में भेदभाव नहीं, सबका विकास किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के 3 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार में मोदी ने आम आदमी के लिए सोचा है, खुले में शौच मुक्त की, बिजली फ्री की आदि के लिए काम किया है। पहले विकास राजनेताओं की प्राथमिकता में नहीं था, लेकिन मोदी और योगी के राज में आज काम करेंगे और वो हो रहा है। पहले जाति सांप्रदायिकता पर वोट मांगते थे, पर अब नहीं, अब सारी योजनाएं जमीन पर काम कर रही है, अब किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं। कहा कि पहले बिजली के लिए धरना प्रदर्शन होते थे, मगर अब बिजली आ रही है, धरना प्रदर्शन नहीं होते, अब तो टेल तक की सिंचाई के लिए पानी ले जाने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की दुर्दशा थी, सही किया गया, कुर्सी मेज दिलाई पढ़ाने के लिए। पहले किसान को खाद के लिए लाठी मिलती थी, अब अपने आप से मिलती है। पिछली सरकार भेदभाव करती थी, किसान हमारी सरकार नहीं, क्योंकि किसान किसान है, उसकी कोई जाति नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि पहले से प्रदेश में अब लाइन ऑर्डर मेंटेन है, अब संगठित अपराध नहीं है। पहले इंडस्ट्री के लिए लोग आते नहीं थे, अब यूपी आते हैं, पहले वसूली से डरते थे, आज कोई साहस नहीं कर सकता। यह लाइन ऑर्डर सरकार के कारण बना। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर जागरूक रहने की अपील भी की। उन्होंने मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्लोर टेस्ट को लेकर आदेशित करने को लेकर कहा कि यह तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने जिद के आगे राज्यपाल की बात नहीं सुनी। जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कराओ तो करना चाहिए। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि वह जितना सक्रिय है जनता सब जानती है। कहा कि इनोवा पार्टी अगर इसी प्रकार से प्रियंका सक्रिय रही तो स्कूटर पार्टी रह जाएगी। इससे पूर्व मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट में 3 साल की उपलब्धियों को लेकर पुस्तिका का विमोचन भी किया। मैंने आपको वैसे बोला ना कि ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर हम पूरी तरीके से बंदिश लगाए, लेकिन समाज में किसी भी विकृति के कारण इस प्रकार की कोई भी घटना हुई है किसी भी हालत में किसी को स्वीकार ना करनी चाहिए ना है, स्वीकार भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी वगैरह के उनके बारे में मैं इसलिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, वो जितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं उतना ज़्यादा एक्सपोज होती हैं, उतना ज़्यादा जनता को पता चलता है। प्रियंका गांधी 2019 के पहले नहीं आई थी, 2019 में आई तो 2 से 1 सीट रैली, जितनी एक्टिव होगी मेरे ख्याल से तो वो जो इनोवा पार्टी हम कहते हैं विधानसभा में साथ होगी वो शायद स्कूटर की पार्टी के दिल्ली जैसे आपकी जो लोग जैसे सरकार ने जरा एडवाइजरी जारी करी है कि सब लोग उसमें सहयोग करना चाहिए तो शायद वहां पर धरना देने वाले उसको स्पॉन्सर करने वाले के लिए शायद प्राथमिकता नहीं अब उनको समझ में सोए होता है ना समझ आपकी तो समझाया जा सकता है सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है जागे हुए आदमी को जो प्रिजुडिस होकर और ये उसी भाव के साथ जो कर रहे हैं उनको कोई भी नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में आज सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल फ्लोर टेस्ट की जरूरत बताई है, ये जस्टिस का फैसला आया है, इसका इसको किस नजरिए से देखें? ये लोकतंत्र में जो हमें तो सुप्रीम कोर्ट और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय दिया जाता है उसमें टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के लिए वो बाध्यकारी होता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको मानना चाहिए। पहले भी नहीं ये मान लेना चाहिए जिस समय वहाँ के गवर्नर ने उनको बोला था लेकिन वो अपनी जिद के कारण नहीं मान रहे थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर टिप्पणी करने का मतलब नहीं है, उसको टेस्ट करना चाहिए ये तो पहले से ही कहा जा रहा है उनको। लेकिन उन लोगों के लिए उनके ऊपर ये तमाचा है जो इस बात को नहीं मान रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय दिया जो ऑनरेबल गवर्नर ने। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।